गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। चंडीगढ़ में हरियाणा के पूर्व विधायकों द्वारा मीटिंग की गई। सभी पार्टियों के 31 पूर्व विधायक बैठक में शामिल हुए। इस बैठक के दौरान सभी विधायकों ने सरकार के सामने अपनी सभी मांगों को रखने की रणनीति बनाई। पूर्व विधायकों की मीटिंग समाप्त होने के बाद श्री नफे सिंह राठी ने कहा कि आज पूर्व विधायक के एसोसिएशन की मीटिंग थी जो 2015 में बनी हुई थी और सभी विधायकों ने मुझे 3 साल के लिए और अध्यक्ष बने रहने के लिए स्वीकार कर लिया है। XML एसोसिएशन की मीटिंग हुई है, उसका मुख्य एजेंडा तो ये था कि ये एसोसिएशन 2015 में बनी थी और 2015 में जब बनी थी तो मेरे को सर्व समिति से अध्यक्ष बनाया गया था और मेरा कार्यकाल पिछले साल समाप्त हो गया था, तो सभी साथियों ने एकजुट होकर के सर्व समिति से फैसला ले लिया कि अगले 3 साल तक फिर आप इसके प्रधान रहोगे, हम आपको प्रधान ही देखना चाह रहे हैं, और सर्व समिति से फैसला ले करके मेरे को दोबारा से जिम्मेदारी दे दी। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे, अगर 20 तारीख से पहले उन्होंने समय दिया तो 20 तारीख से पहले मिलेंगे, नहीं तो अधिवेशन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके, क्योंकि ये सभी पार्टियों के लोग हैं इसमें और कई कई बार इनके ये मंत्री MLA रहे हैं तो इनका तजर्बा भी बहुत अच्छा है, तजर्बा बहुत बड़ा तजर्बा है, तो ये भी चाहते हैं कि भी हरियाणा आगे बढ़े, लेकिन सरकार का नारा तो ये है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास वाले नारे पे अभी तक सरकार चल नहीं रही है। उन्होंने कहा कि हमने मीटिंग में चर्चा की है कि सरकार सबका साथ सबका विकास को लेकर चल रही है, लेकिन इस पर खरा नहीं उतर रही है। हम भी इसी समाज के प्राणी हैं और सम्मानित पूर्व विधायक हैं, हमें भी सरकार पूरा मान सम्मान दे, जैसे कि सदन में ग्रायवेंसिस कमेटी होती है। हमारी मांग है कि कानून बनाकर उस कमेटी में पूर्व विधायकों को शामिल किया जाए जिन लोगों की सरकार नहीं सुनती है। चंडीगढ़ से वी न्यूज़ के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट।